बहुपद की घात, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। किसी बहुपद में कुछ और संख्याएं होती हैं जो बहुपद के पदों में अक्षर संख्या में लिखी होती हैं, जैसे 3x की घात 5 ऋण 2x की घात 4 धन 3x की घात 3 धन 9। इस चार पदी बहुपद में अक्षर संख्या x की घातें क्रमशः 5, 4 और 3 हैं। इनमें सबसे बड़ी घात 5 है। इस स्थिति में बहुपद 3x की घात 5 ऋण 2x की घात 4 धन 3x की घात 3 धन 9 की घात डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 5 है, या 3x की घात 5 ऋण 2x की घात 4 धन 3x की घात 3 धन 9 5 घात का बहुपद है। कुछ और उदाहरण देखें। x का वर्ग धन 3 में बहुपद की घात 2 है। x की घात 2 ऋण 2x की घात 7 धन 3x ऋण 1 में बहुपद की घात 7 है। 5y में बहुपद की घात 1 है। बहुपद x का वर्ग y धन xy में बहुपद की घात क्या होगी? बहुपद x की घात 2 y धन xy में पहले पद में x की घात 2 है और y की घात 1 है, अतः x वर्ग y की घात 3 है। इसी तरह x y की घात 2 है। इस प्रकार x की घात 2 y धन xy की घात 3 होगी। करके देखें। पहला, इन बहुपदों में बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। पहला 8, दूसरा x गुणित y गुणित z, तीसरा uv धन uv का वर्ग धन v की घात 3। दूसरा, कुछ बहुपद आप भी लिखिए, फिर अपने साथियों से चर्चा कर उनके घात भी लिखिए। अचर बहुपद, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। अब इस प्रश्न पर विचार कीजिए, क्या 6 भी एक बीजीय व्यंजक है? क्या 6 एक बहुपद भी है? ऐसा लगता है कि 6 के साथ कोई अक्षर संख्या नहीं है, और व्यंजकों के सामान्य उदाहरण में अक्षर संख्या तो होती ही है, तो क्या 6 बीजीय व्यंजक नहीं है? लेकिन क्या 6 को 6 गुणित x की घात 0 के रूप में लिखा जा सकता है, क्योंकि x की घात 0 बराबर 1। इसमें अक्षर संख्या x की घात 0 है। 0 एक पूर्ण संख्या है, इसलिए 6 गुणित x की घात 0 या 6 भी एक बीजीय व्यंजक है और एक पदी बहुपद भी। तो ऐसे पद भी जिसमें केवल कोई संख्या हो बीजीय व्यंजक होते हैं, और बहुपद भी। ऐसे बहुपद को अचर बहुपद कहा जाता है, यानी 2, 7, 6, 3/2, 122 आदि अचर बहुपद हैं। क्या आप अचर बहुपद के कुछ और उदाहरण बना सकेंगे? बहुपदों का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। कभी कभी बहुपद को बार बार लिखने की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में एक बड़े व लंबे बहुपद को बार बार लिखना होगा। बहुपद को व्यक्त करने का एक और रूप है। इस रूप में सिर्फ यह पता चलता है कि वह बहुपद किस अक्षर संख्या में है, उसके बारे में और कुछ पता नहीं चलता सवाल के संदर्भ में, किंतु यह समझा जा सकता है कि यह किस बहुपद के बारे में है। यदि किसी बहुपद की अक्षर संख्या x है, तो उसे हम p(x), q(x), r(x) आदि किसी से भी व्यक्त कर सकते हैं। यदि अक्षर संख्या y हो, तो ऐसे बहुपद को p(y), q(y), s(y), t(y) आदि से प्रदर्शित कर सकते हैं। कुछ उदाहरण देखें। p(x) बराबर 3x की घात 5 ऋण 2x की घात 4 धन 3x की घात 3 धन 9, q(y) बराबर 5y, s(u) बराबर u की घात 2 धन 3u की घात 3, t(x) बराबर x की घात 6 ऋण 2x की घात 7 धन 3x ऋण 1, r(b) बराबर b की घात 4 ऋण b का वर्ग धन 6। इसमें p, t, q आदि के चुनाव का कोई आधार नहीं है, किंतु एक बार इन्हें चुन लिया तो उस सवाल के लिए इसी अक्षर संख्या का उपयोग करेंगे।